मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज आईपीएल 2019 का फाइनल मैच था और ये मैच काफी रोमांचक हुआ। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए थे। मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे ज्यादा रन कायरन पोलार्ड ने बनाए। कायरन पोलार्ड ने केवल 25 बॉल पर 41 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। चेन्नई सुपर किंग्स की 82 रन पर ही 4 विकेट गिर गई थी। जहां एक के बाद एक विकेट गिरते जा रही थी वहीं शेन वॉटसन टिके हुए थे। शेन वॉटसन ने केवल 59 बॉल पर 80 रन बनाए जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे। आपको बता दें कि 16वीं ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर शेन वॉटसन की राहुल चहर ने कैच छोड़ी थी और उसके अगले ओवर में शेन वॉटसन ने कृणाल पांड्या को लगातार 3 छक्के जड़े थे। अंत में एक ओवर में 8 रन चाहिए थे। ओवर की चौथी गेंद पर शेन वॉटसन रन आउट हो गए और अंत में एक बॉल पर 2 रन चाहिए थे। मलिंगा बॉलिंग पर थे और शार्दुल ठाकुर बैटिंग पर। मलिंगा ने आखिरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को आउट करके मुंबई इंडियंस को आईपीएल का चौथा खिताब जिता दिया। तो करीब 1.5 महीने के बाद आईपीएल 2019 का सीजन समाप्त हो गया है।